आज मैं मौजूद हूँ सरगोधा के उस घर के सामने कि जिस घर के रहने वालों को अगर सियासत में से निकाल दिया जाए तो सरगोधा की सियासत बिल्कुल अधूरी रह जाती है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ज़िला सरगोधा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद MLA मोहतरम जनाब चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब से। ये जो है बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो शौक़ रखते हैं, गेम करते हैं, तो आपने बचपन में जवानी में कौन सी गेम जो है आपको पसंद है या जो अभी जो पसंद करते हैं उसे? सर गुस्सा जो है वो आता है तो वो किस चीज़ पे ज़्यादा आता है? जो है वो पहले सियासत में ही आने का शौक़ था या कोई और बनना चाहते थे? इलेक्शन रोक ही लड़ा है। अच्छा, इस बार लड़ लिया, अगला नहीं लड़ना। अच्छा, लेकिन सर अपना आइडियल जो है वो पॉलिटिक्स में सियासत में किसको मानते हैं कि मेरे जो आइडियल शख्सियत हैं वो कौन है? आपके वालिद मोहतरम जो है जो अनवर अली चीमा साहब बड़ी बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनमें सर कौन सी ऐसी बतौर सियासतदान जो आप खूबी देखते हैं जो आपको आप समझते हैं कि आप में होनी चाहिए? सर इमरान खान की कौन सी खूबी जो है वो आप पसंद करते हैं कि जो आपको पसंद आती हो? सर चीमा साहब जो माशाल्लाह जो है ना वो वजारत जो है मिनिस्ट्री उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे अपने हलके के कामों को, तो आप सर आप भी उसी लेगेसी को लेके चल रहे हैं कि वजारत जो है उसकी चाहत जो है वो कम रखी हुई? और सर इस निज़ाम में कोई आम आदमी जो है वो भी MNA बन सकता है? सर ये उनका बोझ जो है एक आम आदमी पड़ रहा है, 2500 रुपये यूनिट पे जब बिजली आप खरीदेंगे तो कहाँ यहाँ इंडस्ट्री लग जाएगा, क्या बात करूं? सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज करते रहते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ कि जी 25% हम आपकी सैलरी राइज करेंगे, तो उसके बारे में कोई आवाज़ उठाएंगे? सर अभी कोई नहीं है ऐसा कोई आया। सर अपने लोगों को अपने हल्के के लोगों को क्या पैगाम देंगे आपके इस सारी सिचुएशन में सारे सिनेरियो में?